को रोज़ा में ज़्यादा खाना मिल सके और पेट भर के खाना खाए और अफ्तारी भी खोल ले। जब भी मैं स्लम में गाड़ी लेकर जाती हूँ और जब बच्चे लाइन में लगते हैं और उन्हें मैं उनकी प्लेट पे जब मैं खाना रखती हूँ तो उनकी जो पेट की उदासी है ना वो खुशी में बदल जाती है और वो खुशी देखकर इतनी पॉजिटिविटी आती है मेरे अंदर, ऐसा लगता है कि ये खुशी मुझे कहीं नहीं मिल सकती। मेरा नाम चांदनी है और मैं स्लम के बच्चों के लिए काम करती हूँ। रमज़ान के इस पाक महीने में अगर आप एक स्लम के बच्चे को अगर उसके इफ्तार का खाना आपकी तरफ से आए तो इससे बड़ी बात और इससे सवाब वाला काम क्या हो सकता है। और हम हर उस बच्चे तक पहुंचेंगे जो बच्चा रोज़ा रखता है लेकिन उसे खाना नहीं मिलता हो, हम हर उस बच्चे तक इस रमज़ान पहुंचेंगे आपके सपोर्ट से। इतना फूड नहीं है कि हम हर बच्चे तक पहुँच पाएँ, उतने ही बच्चों तक पहुंच पाते हैं जितना हमारे पास होता है। हमें ज़रूरत है अभी और फूड की। हमारी टीम, हम मिलकर अपनी जेम से या जो हम कमाते हैं वहां से लाकर लगाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे बच्चे मुंह देखते ही रह जाते हैं कि उन्हें खाना मिलेगा लेकिन उन तक। तो इस तरीके की प्रॉब्लम हम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। इस रमज़ान के महीने को चलो और ख़ास बनाते हैं और इन बच्चों को खाना खिलाकर इनके चेहरों पे खुशी लाते हैं।